कल हमने एक्सेल ऑप्शंस में जैसा पॉपुलर टैब किया था, ठीक है, आ जाते हैं फॉर्मूलाज पे। फॉर्मूला में जैसे वर्कबुक कैलकुलेशन है, कई बार क्या हो जाता है, ये मैनुअल पे सेट हो जाती है, मैनुअल पे सेट हो जाती है, क्या होता है देखिए। वही मेरे नंबर है, मैंने सम किया, यहाँ पे 259 आया, बीच में कोई वैल्यू चेंज हो गई तो यहाँ जो था नंबर चेंज होना चाहिए था, ठीक है, वैल्यू चेंज तो यहाँ चेंज होना चाहिए था। तो मैनुअल पे क्या होता है, इसकी कैलकुलेशन मैनुअल पे सेट हो जाती है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से F9 प्रेस करना पड़ता है कैलकुलेट करने के लिए, या फिर आपके फॉर्मूला बार के अंदर में यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन होते हैं, कैलकुलेट नाउ, कैलकुलेट शीट, और ये रहा ऑटोमेटिक, मैनुअल, मैनुअल पे सेट हो जाता है। ऑटोमेटिक कर देना है इसको यहाँ से, या फिर एक्सेल ऑप्शन से फॉर्मूला से यहाँ से कर सकते हैं। इसमें है एक ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होती है आज जी? हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेल कस्टमाइजेशन ही पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हाँ जी सर, कस्टमाइजेशन एंड शॉर्टकट जो है वो 2 दिन की क्लास है एक्चुअली, तो ओके ओके ये लंबी क्लास है, 1 दिन में हो नहीं सकती, इसलिए ठीक दो है में ठीक चलती है ओके ओके है। तो ऑटोमेटिक एक्सेप्ट डेटा टेबल्स, कुछ डेटा टेबल होते हैं, डेटा टेबल को हम व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे डाटा में जाएंगे तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस है, जिसके अंदर डेटा टेबल है। डेटा टेबल कुछ एक कैलकुलेटिव टेबल होती है जिसके अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये इससे मतलब खाली उसी डेटा टेबल से, कि डेटा टेबल को छोड़ के बाकी सब में ऑटोमेटिक रहेगी, डेटा टेबल में मैनुअल कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है जी। ये चीज पढ़ते हैं R1C1 रेफरेंस स्टाइल, ये क्या चीज होती है देखिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉलम के लिए ABCD ऊपर लिखा हुआ है, रो के लिए 1 2 3 बट 4 दिया हुआ ये जस्ट ए मोमेंट, ये लेकिन ये जो अभी फॉर्मूला में आपने बताया मैनुअल, ये है। बाय हाँ जी, डिफॉल्ट क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक रहता है, ओके ठीक है, कई बार आपके बट सामने। मैनुअल करने की हाँ जरूरत पड़ती है क्या? फिर मैनुअल आदमी क्यों करता है उंगली, जब इसका काम ही नहीं है और ये अदर वे राउंड, ये नेगेटिव है? देखिए, मैनुअल इसलिए करते हैं कई बार कि आप बहुत ही बड़ी एक्सेल शीट पे काम कर रहे हैं, तो कई बार आपका कैलकुलेशन जो होता है वो काफी टाइम ले जाता है, मतलब कंप्यूटर हैंग करने लगता है, तो उस केस में भी करते हैं। दूसरा, कई बार गलती से हो जाता है, अगर ये गलती से हो जाता है तो ठीक कैसे करना है हमें पता होना चाहिए। अभी जो हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो गलती से ऑफ हो जाते हैं, ठीक है जी, ओके इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि ये एरर्स, ये इस लाइक ट्रबल शूटिंग एक्सेल, ओके ओके ठीक है ठीक है जी। तो अब क्या है कि यहाँ पे आपको ABC ऊपर दिख रहा है, कॉलम के लिए ABC है, अगर आप यहाँ पे 1 2 3 लाना चाहते हैं, रो की तरह 1 2 3 दिखाना चाहते हैं इसमें, या आ जाए कभी गलती से, तो उसका मतलब होता है फॉर्मूला में R1C1 रेफरेंस स्टाइल सिलेक्टेड है, ठीक है, ये 1 2 3 में बदल गया। अब इसमें एक और चीज होती है सर, सपोज मैं यहाँ पे हूँ, इस टेबल में हूँ, और यहाँ पे ये प्रेस करता हूँ और यहाँ का रेफरेंस ले लेता हूँ, तो ये कुछ पहले हमें दिखाता था A1 B1 इस तरह से, अभी अब ये रो दिखा रहा माइनस है। टू एंड कॉलम माइनस थ्री। हाँ जी, अब देखिए इसमें ये चेंजिंग होती रहेगी, देखिए क्या रो कॉलम में कुछ नहीं आ रहा, मतलब कॉलम पर जीरो है। ये इतना फ्रेंडली नहीं, ये इतना फ्रेंडली नहीं है राइट ना? हाँ, ये आपके लिए फ्रेंडली नहीं है, बट जब आप VBA करेंगे तो ओके इसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे, ओके ओके ठीक है ठीक है। उसमें ऑफसेट का एक हम यूज करेंगे, ऑफसेट जो है इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, ऑफसेट में एक रेफरेंस पॉइंट होता है,
अब जैसे मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट ये है जहां फॉर्मूला लिखा है, तो ये कह रहा है रो माइनस वन, मतलब माइनस वन ये जीरो है तो माइनस वन ये वाली हो गई, रो ये हो गई, कॉलम ठीक टू, है, कॉलम ये जीरो है तो प्लस के कॉलम जो है वन टू। अब बट वो क्या कर, रेफरेंस अभी अभी फोर्थ वाले को पकड़ रहा है रेफरेंस, हाँ जी, या इसी को ही रेफरेंस पकड़ रहा ये है अपने जहां आप पे आप, को जहां अच्छा इसी हम को ही। टाइप करेंगे वहीं को जीरो मानेगा ये हर जगह। अब इधर में चलते हैं तो ये -1 दिखाने लगा, -2, -3, इस तरह से इसी में आ गए तो आर जीरो हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक है सर, तो इस तरह ठीक से है, खुद इसको को ही रेफरेंस मान के वो प्लस माइनस करता रहता है एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में। ठीक है, करेक्ट 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 बिल्कुल यही चीज है। ओके, इसका यूज VBA में करेंगे हम, मतलब यहां से बदल के नहीं पर इसी तरह से करेंगे, तो हम इसको हटा देते हैं। दूसरा फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट है, ये कई बार नहीं होता। फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट क्या होता है कि मैंने ये आ गया, ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से, तो ये नहीं आता है कई बार, तो फॉर्मूला ऑटो कंप्लीट उस केस में वर्क करता है, ये ना हो। बाकी चलते हैं नीचे और फॉर्मूला में ही और देखते हैं। यहाँ पे एक एरर चेकिंग, एरर चेकिंग में आपने कभी देखा होगा कि अगर आपका टेक्स्ट जो है, नंबर जो है टेक्स्ट की तरह स्टोर हो जाए, तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का लाइन दिखाता है, कई बार ग्रीन कई बार रेड। मैं क्लिक करता हूँ इस पे तो ये एक ऐसी एरर दिखाता है, मैं इसको क्लिक करता हूँ ये बता रहा है कि नंबर सॉर्टेड एज टेक्स्ट, स्टोर्ड एज टेक्स्ट। ओके, स्टोर्ड एज टेक्स्ट, करेक्ट। तो अगर मैं कन्वर्ट टू नंबर कर दूंगा तो ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब आगे वाले जीरो हटा देगा इसके, और इग्नोर एरर करेंगे तब भी ये नहीं। इसके मुताबिक ये एरर है, इसके मुताबिक आपने नंबर डाला था जो कि टेक्स्ट की तरह लग गया। ठीक है जी, तो ऐसी एरर्स के लिए बट ये इसके, टेक्स्ट टेक्स्ट में एक तो जो हमारा इधर एंटर के पास में है ना, सिंगल सिंगल क्या बोलते हैं उसको, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोड, वो लगाने से भी टेक्स्ट हो जाता हाँ जी हाँ जी है, बट वो वो लग, अगर अगर हमारे से वो नहीं दबा है और हाँ स्टिल ये टेक्स्ट दिखा सकता है। दिखा सकता है सर। इसके लिए हम अपने नेक्स्ट क्लास जो है नंबर फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे, जिसके अंदर ये है। अगर ठीक है, आपको वैसे करना है तो आप यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए बस, यहाँ से अब आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं 00। ठीक है जी, तो जितने एरिया पे ठीक आपको है, ऐसे वर्क करना है तो आप उसको पहले से ही टेक्स्ट में बुलाएं। इवन अगर आप इसमें फॉर्मूला भी लगाएंगे ना तो वो भी नहीं चलेगा, ऐसे वो है ही करके, टेक्स्ट हाँ तो क्या करेगा वो। वो चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं, वो टेक्स्ट को क्या जोड़ेगा वो। ठीक है, नहीं, फॉर्मूला आपको फॉर्मूला की फॉर्म में ही दिखाएगा। नहीं ये इसलिए दिखा रहा है बिकॉज दैट इज टेक्स्ट राइट ना, करेक्ट, उसको अभी नंबर में डालोगे वो सम दे देगा। तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसमें दिखा रहे थे कि जैसे ये ओके, एरर आ रही है आपकी ग्रीन कलर की, आपको इसका कलर चेंज करना है या थोड़ी सी रूल में इसके छेड़खानी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसके दो चार रूल है, इनेबल बैकग्राउंड चेक, आप चाहते भी हैं कि ये एरर आए कि ना आए, तो यहाँ से चेक एंड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ रूल्स है इसके, सेल कंटेनिंग फार्मूला दैट रिजल्ट एन एरर, जब फार्मूला का रिजल्ट एरर आएगा तब ये दिखाएगा इस तरह से। फार्मूला रेफरिंग टू एम्प्टी सेल, अभी कुछ नहीं है पर जब मैं इसे सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ से किसी खाली सेल में रेफरेंस दूंगा तब दिखाएगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, अगर इस ऑप्शन में कहीं दिक्कत आती है तो आपको पता है कि अब आपको कहाँ देखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्रूफिंग के अंदर। प्रूफिंग में आपके बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। सपोज अगर आप एक कैपिटल लेटर्स में बुक टाइप करते हैं, वो कुछ भी लिखते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने बुक में, और एक मैंने जनरली किया है,
तो जब मैं F7 दबाऊंगा, जो कि एरर चेकिंग के लिए होता है, अभी तो ये दिखा रहा है, ठीक है, दोनों को चेक कर रहा है, क्योंकि मेरे में आपके में कैपिटल करेगा नहीं, कैपिटल को इग्नोर कर देगा, क्योंकि मोस्टली ये वाला इग्नोर वर्ड इन अपर केस, तो आपके स्पेल चेक में अपर केस के लेटर्स इग्नोर हो जाएंगे, अपर केस के वर्ड अपर इग्नोर। केसेस में कौन सा हुआ? अपर केस वो होते हैं जो सर कैपिटल लेटर्स में लिखे होते हैं, ओके, अपर केसेस कैपिटल लेटर्स। यस। लोअर केस इज स्मॉल लेटर्स, टाइटल केस इज व्हेन योर वन लेटर इज मतलब इन कैपिटल वन फर्स्ट लेटर, तो वो टाइटल केस हो जाता है। तो ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है जिसमें आप इग्नोर वर्ड अप इन अपर केस कर सकते हैं ताकि ये स्पेल चेक में ना आए। दूसरा एक कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी हम कोई ईमेल आईडी टाइप करते हैं तो ये हाइपरलिंक में कन्वर्ट हो जाती है। मैं जब यहाँ से करने जाता हूँ तो क्लिक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और मुझे क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से ही जाना पड़ता है यहाँ, फिर F2 करके तब मैं एडिट कर पाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जैसे टाइप करने के लिए मेरी आईडीज जो है वो हाइपरलिंक पर ना कन्वर्ट हो, ठीक है। हाइपरलिंक यू मीन टू से कि वो क्लिक करके डायरेक्ट ईमेल में ना जाने लगे, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, हाइपरलिंक आ ओके, जाता है उसमें। तो उसके लिए आप प्रूफिंग में जाके ऑटो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन को चूज कीजिए, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, दूसरा टैब है इसके अंदर, इसके अंदर है इंटरनेट एंड नेटवर्क पाथ विद हाइपरलिंक, इसको ऑफ, इसको हटा देते हैं। ओके कर दीजिए। ठीक है, तो अब जब भी आपको ईमेल आईडी डालेंगे तो ये कन्वर्ट नहीं होगी हाइपरलिंक से, या कोई भी वेब एड्रेस डालेंगे, बट डिफॉल्ट हाइपरलिंक ही रहता है डिफॉल्ट हाइपरलिंक रहता है। अब वर्क काम करने के लिए इसको ऑफ कर, जनरली जो सेटिंग्स एक्सेल ऑप्शंस में की हुई है बाय डिफॉल्ट, उसमें उंगली कम से कम करें, राइट ना? कम से कम करें, बट पर इसमें थोड़ी सी उंगली करके इसके बारे में जान तो लेनी ही जरूरी। हाँ, वो जरूरी है, वो तो ठीक है। अगर मान लो अभी हमने सब उंगली कर दी और चेक कर लिया वन बाय वन, मैं प्रैक्टिस करूंगा नाइट में, हाँ जी, बट फिर इसको जो ओरिजिनल थे बाय डिफॉल्ट उसको कैसे करेंगे फिर? उसको आपको इसमें एक एक ऑप्शन आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको पहले जैसे करना पड़ेगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा। नहीं तो उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लूंगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना संदीप? हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैसे स्क्रीनशॉट कैसे लेने का? जैसे अभी एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे, जैसे एक्सेल ऑप्शन आपने खोला अभी, अब ये इसी को मेरे को स्क्रीनशॉट लेके कहीं सेव कर लेना है। हाँ। तो आपका ये प्रिंट स्क्रीन का कीबोर्ड पे बटन होता है सर, कीबोर्ड पे प्रिंट स्क्रीन, हाँ जी, प्रिंट स्क्रीन का देखिए, अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो इंसर्ट के आसपास होगा, होम पेज आप इंसर्ट एंड, के आसपास, स्क्रॉल पॉज, इंसर्ट है, इंसर्ट के पास तो पॉज है, स्क्रॉल है और डिलीट है, प्रिंट स्क्रीन तो नहीं दिख रहा। PRNTSCR ऐसा कुछ होगा। हाँ भाई, इंसर्ट वाला बटन ही है वो, इंसर्ट वाले बटन के नीचे ही प्रिंट स्क्रीन है, उसी सेम बटन में ही। अच्छा, सेम बटन में है शिफ्ट तो शिफ्ट शिफ्ट दबा के करना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आपके पास फंक्शन की होगी FN के करके, आपकी विंडो की के आसपास या कंट्रोल के आसपास FN करके कोई की होगी। हाँ, FN है, राइट? हाँ, तो उनमें जो ऑप्शन अगर आपको टुगल करना है तो ये FN के जरिए कर सकते हैं, FN प्रेस करके, जैसे आपका वॉल्यूम आप कम ज्यादा करने का भी होगा, ऐसे भी साइन होंगे, वाईफाई ऑन ऑफ करने का भी होगा, तो ये सारे जो है वो आपकी FN की से चलेंगे, FN की दबा के, वहां शिफ्ट से नहीं होते ये। तो इसमें जो मेरे पास PRTSC है, PRTSC मतलब प्रिंट स्क्रीन शॉट, हाँ जी, तो वो मेरे को FN दबा के, हाँ, वो दबाना है और फिर उसको जाके किसी जैसे एक्सेल पे, जैसे मैंने प्रिंट स्क्रीन किया तो एक्सेल पे मैं नॉर्मल बाहर आ गया, यहाँ पेस्ट कर दूंगा Ctrl V से, हाँ ओके, मैं ट्राई करूं। हाँ जी, करके देखिए।
हो रहा है ठीक सर? है ठीक है सर। हाँ, तो आगे चलते हैं। ठीक है। प्रूफिंग में ही आपके इस प्रूफिंग टैग में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में, ऑटो करेक्ट में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब इसमें क्या होता है, कई बार आप टाइप करते हैं, आप लिखना चाहते हैं ब्रैकेट के अंदर सी, ठीक है, जैसे ही प्रिंट एंटर करते हैं वो कॉपीराइट के साइन में चेंज हो जाता है। अब ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहते हैं आर, वो रजिस्टर्ड के साइन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसी कई बार एरर आती है या ये चीज परेशान करती है, तो इस चीज का इलाज भी यही है। प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन, और पहला टैब है ऑटो करेक्ट का, और इसमें यहाँ पे रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप को अनचेक कर दीजिए, तो इस तरह की दिक्कत नहीं आएगी। अब चाहे सी लिखना है, चाहे आर लिखना है, आप लिख सकते हैं। आपको ऐसा काम करने के बाद इसको वापस सही कर देना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये टाइप करते हैं ना, जैसे ही सी टाइप करते हैं, तो वो कॉपीराइट के साइन के साथ रिप्लेस हो जाता है। इसको हम पावर की बाय तरह, डिफॉल्ट ऐसा ही रहता है। हाँ बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहता है। अब इसको हम ठीक, पावर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे जैसे आपका नाम नरेश कुमार है, तो मैं कहता हूँ जैसे ही मैं एन के टाइप करूँ, वो नरेश कुमार में चेंज हो जाए, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ इसकी डिक्शनरी में, एन के एज नरेश कुमार, ओके ओके। जैसे ही मैं एन के टाइप करके एंटर करूंगा, ये बदल जाएगा अपने आप। अपने आप नरेश कुमार हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है, ये फास्ट है, ये कहीं ना कहीं यूजफुल रहेगा। गुड, हाँ बिल्कुल, जैसे मेरे डिपार्टमेंट का नाम साइट एडमिन विंग है, मैंने SW पे सेट कर दिया, तुरंत आ जाता है, वो लंबी लाइन है मैंने ऐसे डाल दिया, ये काम आ जाते हैं। ये काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो जो मतलब कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिनको हम पावर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। ठीक इसके है। अंदर इतना ही है, आगे चलते हैं अपने सेव के ऑप्शंस में। अब सेव के ऑप्शंस में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जब 2003 आया था, तो क्या हुआ था, हम 2003 2007 आया था और 2003 चल रहा था, तो 2000 में 7 में सेव की हुई फाइलें 2003 के अंदर खुलती नहीं थी, उस समय ऐसा आया था। ओके, उसमें क्या था, तो हम सेव करते थे उसको 97 2003 के फॉर्मेट में। ऐसे ही आपके फॉर्मेट आप बाय डिफॉल्ट कोई चूज करना चाहते हैं, मैंने यहाँ चूज कर रखा है एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक। मैक्रो इनेबल वर्कबुक उस समय होती है जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ, अगर मैं मैक्रो इनेबल में नहीं करता हूँ तो मेरी की हुई प्रोग्रामिंग नॉर्मल एक्सेल वर्कबुक में सेव नहीं हो सकती, वो लॉस्ट हो जाएगी। तो इसके लिए कि ऐसा ना हो कि मैं गलती से एक्सेल वर्कबुक में कर दूं प्रोग्रामिंग करने के बाद, मैंने बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मेट को एक्सेल मैक्रो इनेबल चूज कर रखा है। तो जब मैं सेव करना चाहता हूँ तो मेरा एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक शुरू से ही सिलेक्ट किया हुआ आता है, ठीक है जी, ताकि उसमें कोई गलती ना हो। दूसरी चीज आप आप हमेशा देखें, मैक्रो ही क्यों रखते हैं? क्योंकि जब मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ इसमें क्या होता है कि सर दो फाइलें होती हैं, मैक्रो के लिए VBA फाइल जो होती है यहाँ होती है। अब जो भी मैं इसमें कोडिंग करूँगा, अगर इसको मैंने सेव कर दिया बगैर वैसे ही, तो ये लॉस्ट हो जाता है कोड, ये कोड लॉस्ट हो जाएगा, मतलब मेरी कोडिंग गायब हो जाएगी, रहेगी नहीं इसमें, इस फाइल में, ओके, ठीक है। तो ये कोडिंग रहे इसके लिए मैं मैक्रो इनेबल फॉर्मेट में यूज करता हूँ। बट सारी फाइलें मैक्रोज में कर सकते हैं, वो हर जगह चलेंगी, कोडिंग में भी हाँ, और नॉन कोडिंग में भी। वो हर जगह चलेंगी, वो आपके नॉर्मल एक्सेल की तरह होती है फाइलें, बस फर्क ये होता है ओके, कि इसमें एक ये मैक्रो का निशान टाइप का दिखता है ये,
नॉर्मल फाइल में कहीं ऐसा निशान नहीं, इसमें ऐसा निशान, एक्सक्लेमेशन का साइन। हालांकि खुलेगी, नॉर्मल आदमी को नहीं समझ आएगा कि क्या है वो, नॉर्मल एक्सेल की तरह ही चलेगी। तो अगर आपको, जैसे मैं आपको तो देखा हम रहा बेटर है, हम भी, हम तो मैक्रोज में ऐसा कुछ करते नहीं है अभी, तो हम एज इट इज रहने दे जैसे हमारा बाय हाँ, डिफॉल्ट ना, हमें मैक्रोज में करने की जरूरत नहीं है अभी, राइट ना। अभी अभी नहीं है, जब आप सीख जाएंगे तब ठीक है कर सकते ठीक हैं, है ठीक ठीक है ठीक है जी। ठीक है। और आप ये देख रहे होंगे कि बाय डिफॉल्ट मेरा जो है डेस्कटॉप पे आ रहा है। नॉर्मली कहाँ आता है? डॉक्यूमेंट्स में। मैं जब भी सेव एज कर रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे ही आ रहा है बाय डिफॉल्ट। तो ये कैसे आता है? डिफॉल्ट लोकेशन हम यहाँ अपने सेव ऑप्शंस में सेट कर सकते हैं, ये डिफॉल्ट फाइल लोकेशन है, यह उसका पाथ भेजा होता है। दूसरा, आप कभी काम कर रहे हैं, आपकी फाइल एक्सीडेंटली बंद हो जाती है, या मतलब लाइट चली जाती है, इस तरह से बंद हो जाती है, तो एक लोकेशन होती है ऑटो रिकवर की, ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन। आप देखते होंगे साइड में बनाया जाता होगा कि आप इस फाइल पे वर्क कर रहे थे, इस तरह हाँ डू यू हाँ हाँ वांट टू साइड रिकवर। में आता है। हाँ, तो उसकी लोकेशन जो होती है वो ये होती है, यह होती है। और ऑटो रिकवर काम कैसे करता है? हर 10-10 मिनट में वो फाइल सेव करता रहता है। यहाँ पे आप मिनट सेट कर सकते हैं कि कितनी देर में उसे सेव करना चाहिए, अपने आप सेव ना करें ना करें वो अपने आप सेव करता रहता है, ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन, ओके ठीक है जी। ओके अगर आपकी फाइल कोई बड़ी है और 10-10 मिनट में अगर वो सेव कर रहा है तो आपका कंप्यूटर हैंग करेगा। तो ऐसी कोई बड़ी फाइल पे अगर आप काम कर रहे हैं तो ऑटो रिकवर एक्सेप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं ओपन वर्कबुक के लिए, जितनी फाइल्स ओपन होंगी वो यहाँ पे दिखाएगा आपको इस लिस्ट में। तो आप यहाँ से डिसेबल ऑटो रिकवर फॉर दिस वर्कबुक ओनली सिलेक्ट कर सकते हैं, तो उतने टाइम के लिए ऑटो रिकवर बंद हो जाएगा। बट जनरली क्या रिकमेंडेड है, एवरी 10 मिनट्स ऐसा रहना चाहिए? रहना चाहिए यहाँ एवरी 10 मिनट में से वो, बाकी नहीं, यहाँ से एक फाइल के लिए डिसेबल करना है तो एक तो फाइल। ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी लॉस होगा 10 मिनट्स का काम हाँ जी लॉस होगा। हाँ जी, ऐसा होता है ना कि 10-10 मिनट में 10 मिनट का यहाँ लॉस होगा। कोई हम कई बार क्या करते हैं, कोई अब 2010 में या 13 में ऐसे ऑप्शन है जिसके थ्रू आपकी अगर फाइल आपने सेव नहीं की, वैसे ही बनाई थी, इसमें तो क्या होता है एक्सीडेंटल बंद होने पे ऑटो रिकवर सेव करता है, पर उसमें क्या होता है कि आपकी, आपने ही बंद कर दी और फाइल को सेव नहीं की, इसका ऑटो रिकवर क्या करता है, अगर आपने फाइल को सेव नहीं किया है वैसे ही नो करके बंद कर दिया है तो उसे सेव नहीं करेगा, उसे ऑटो रिकवर से हटा देगा। पर 2010 और 2013 में क्या है कि हमने 2 मिनट के लिए डेटा बनाया फटाफट और फिर प्रिंट निकाल के दे दिया बॉस को, बॉस ने कहा कि भैया इसमें ये गलत है, अब हम ठीक करने कहाँ जाए, हमने तो सेव किया ही। क्लोज कर दिया। हाँ हाँ, 2010 में और 13 में ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें मैनेज फाइल बटन के अंदर, मैनेज वर्जन्स के अंदर ऑटो रिकवर के हैं, जहाँ पे आप अनसेव्ड वर्कबुक को उठा सकते हैं, वहाँ आपको सेव मिल इसमें कहाँ है, जाएगा। 2010, मेरे पास 2010 है, तो उसमें मैनेज वर्जन्स के अंदर होता है। उसमें उसमें रहेगा ना। हाँ बिल्कुल होता है इसके अंदर, जैसे ये तो 2013 है, देखते हैं इसमें कहाँ है, इसमें इन्फो में मैनेज वर्जन्स ये वाला होगा आपके लिए, मैनेज वर्जन रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक। एक बार मुझे बताइए कहाँ जाने का, मैं इधर विंडोज में हूँ। फाइल बटन को प्रेस कीजिए, एक मिनट, फाइल को किया, ऑप्शन में जाऊं। ऑप्शन में नहीं जाना सर, इन्फो होगा या प्रिपेयर में होगा शायद, आपके में प्रिपेयर है कोई? प्रिपेयर नहीं है, ऐड ऐड इंस है, एड ऐड इन इंस। मैनेज वर्जन्स, इन्फो तो है, इन्फो में जाइए, इन्फो में गया हूँ ऑलरेडी। वर्जन्स दिखाई दे रहे, मैनेज वर्जन
इन्फो में रिसेंट न्यू प्रिंट सेवन सेंड हेल्प एट इंच ऑप्शंस एग्जिट। देखता हूँ, मैनेज वर्जन इन एक्सेल 2010। इन्फो के अंदर मैनेज वर्जन होता है आपका। इन्फो के अंदर मैनेज वर्जन होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी। इस तरह का बॉक्स होगा। 2010 में मैंने देखा है। इसमें नहीं दिखा रहा है, नहीं हो। देखते हैं कि ये हर एक 2010 में होता हाँ जी, है। हर किसी में होता है। एडवर्टाइज हटे तो सही। इन्फो के अंदर मैनेज वर्जन्स होगा, इसमें रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक होता है तो उसके अंदर होता है। बाकी आगे चलते हैं, उसमें हम बात कर रहे थे। हाँ चलिए चलो, तो ये सारे आपके सेव के हैं। एडवांस पे आते हैं। एडवांस के अंदर क्या होता है, जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो डाउन डायरेक्शन में जाते हैं। आपने अपने डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। एंटर ओके पर, ओके ठीक है। राइट, अप, लेफ्ट। ऑटोमेटिकली इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट, मतलब अगर ये चेक है तो कई बार आपका ऑटोमेटिकली डेसिमल पॉइंट इंसर्ट कर देगा। एंटर प्रेस करती है अपने आप डेसिमल पॉइंट। तो ये तो एरर ही होती है, इसको तो ना ही करे तो बढ़िया है। कभी ऐसा हो रहा नहीं, है। जनरली अगर एंट्रीज बहुत सारी करने हो, मान लो हाँ जी, हाँ जी। डेटा एंट्री बहुत सारी है, अपने को आदमी बोलता जाए और अपने को भरना है, तो उसमें बार बार डॉट लगाने की जरूरत नहीं है ना उसको। अगर हम हाँ चाहते हैं कि डेसिमल की बार टू हमारे रहते हैं फिगर्स, तो हाँ तो उसमें वो पूरा ले डाल सकते हैं, के। उस केस में आप ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका हाँ ये ठीक वाला है। ऑप्शन इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप अनचेक हो जाता है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आती है। इसमें क्या है कि आप कोई भी वैल्यू ड्रैग करने के बारे में सोच रहे हैं और वो जो काला सा छोटा सा डॉट दिखाता है वो आ ही नहीं रहा है। हाँ ड्रैग करें कहाँ से, तो वो होता है हमारे एडवांस के अंदर इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैगन का। अब ये आ गया, अब इस पर ड्रैग कर सकते हैं। ओके ठीक ठीक है जी, आगे देखते हैं एडवांस में। ग्रिड लाइन का कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने रेड कर दिया, ये रेड कलर की होगी। कई आपने एक्सेल शीट्स में देखा होगा ऐसा होता है। हालांकि ये व्यू के अंदर भी है, व्यू के अंदर नहीं है। अच्छा, 2010 या वगैरह उसमें होता, उसमें होगा, इसका कलर होगा, मैंने देखा है क्योंकि ऊपर में। तो ग्रिड लाइन का कलर अगर हाँ चेंज होता है या करना है आपको, तो आप एडवांस में ही जाके यहाँ से कलर चूज कर सकते ओके। हैं। ठीक है सर। और ये जो शीट वन शीट टू है उनका कलर चेंज करना हो तो? ये तो टैब कलर होते हैं सर, इनको तो हाँ, आप टैब राइट कलर। राइट क्लिक करके टैब कलर चूज कर सकते हैं। शीट के ऊपर यहाँ पे कोने पे आके
राइट क्लिक करके टैब कलर जो भी चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक। बाकी चलते हैं एडवांस में, और कुछ नहीं है, बाकी वैसे ही हल्के फुल्के हैं। कस्टमाइज के अंदर क्या कर सकते हैं आप, अपनी कमांड्स जो यूज करते रहते हैं, नॉर्मली यूज करते रहते हैं, जैसे मैंने पेस्ट वैल्यूज है यहाँ पे डाल रखा है, इसको कहते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो ऊपर दिख रही है ना आपको छोटी सी, अगर माउस से पावर यूजर बनना है तो आप यहाँ पे कुछ कमांड्स को, इसमें सारे बटन हैं और सारी कमांड्स हैं, जो भी आपको करना है, जैसे फिल कलर का है ऊपर डालना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिए, ओके अच्छा कर वो दीजिए, सारे ऊपर आ जाएंगे, ठीक वो है। यहाँ आ जाएंगे। तो ये कमांड्स को आप ऊपर कर सकते हैं, जैसे मैंने मैंने उसमें डाल रखा है पेस्ट वैल्यूज डाल रखा है। यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उसी को डाल लेने का हाँ जी, है। हाँ जी, उसको आप डाल सकते हैं अगर माउस से ज्यादा काम करते हैं। उसके बाद होता है एडिंस, और आपका ये कस्टमाइज के अंदर जो मैं डेवलपर टूल बार यहाँ से लाया था, डेवलपर टैब इन रिबन जो मैक्रो के लिए काम आता है, डेवलपर टैब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, डेवलपर टैब ऊपर है जिसके अंदर एक्टिव एक्स कंट्रोल वगैरह होते हैं, तो वो भी आपके कस्टमाइज के अंदर ही है। आपके वाले में यहाँ पे क्लिक करने का ऑप्शन होगा, तो आप क्लिक करके चूज कर सकते हैं उसको। दूसरी बात है एडिंस। एडिंस वो फीचर होते हैं जो एक्सेल के अंदर अवेलेबल नहीं होते, जैसे किसी ने मैक्रो बना के दिया, या कोई फॉर्मूला बना के दिया आपको एक्सएलएम फाइल में, एडिन फाइल में, एक्सएलए फाइल में, तो वो आप एड इन यहाँ से, जैसे मैंने FNT वर्ड नाम का एड इन यहाँ पे डाल रखा है, ब्राउज करके इस तरह की फाइल होगी, एक्सएलए फाइल, एड इन फाइल के नाम से आता है वो, अभी देखेंगे डिस्क्रिप्शन में तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सएल एड इन आएगा। इस तरह की फाइल मैक्रो वगैरह की होती है, फॉर्मूला की होती है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, एड इन के थ्रू ऐड करा सकते हैं। अब मेरा एड इन ये वाला क्या करता है, NT वर्ड एक फॉर्मूला है, नंबर टू वर्ड, तो ये इस तरह से मुझे दिखा देता है। ओके ठीक है, तो ये इसमें नहीं थी, इसमें ऐड कराई गई थी, एड इन के थ्रू होती। सपोज आपको यहाँ पे मैक्रो लेके आने हैं, तो पहले एड इन के थ्रू ऐड कराएंगे उसे, देन उसे कस्टमाइज में से यहाँ मैक्रो, फिर आप यहाँ से चूज करेंगे कोई मैक्रो, जैसे ए बनाया है तो मैं ए यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ, देन आप उस मैक्रो को यहाँ चला सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका मैक्रो सेट हो गया। आगे चलते हैं एडिंस पे। एडिंस कर लिया हमने ट्रस्ट सेंटर पे। ट्रस्ट सेंटर में क्या होता है, आपकी मैक्रो की सेटिंग होती है, फाइल की सेटिंग होती है। मैक्रो सेटिंग क्या होती है, जब हम किसी फाइल में मैक्रो करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो डिसेबल होता है, तो एक पीली सी लाइन आती है कि इनेबल मैक्रो इस जगह पे। अगर बाय डिफॉल्ट आप सबको इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल चूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम एक्टिव एक्स कंट्रोल यूज करते हैं, या जैसे फ्लैश में गेम्स होती हैं, एक्सेल में गेम्स आती हैं फ्लैश वाली, कई बार वो नहीं चल रही होती है, तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, मैक्रो को इनेबल कर सकते हैं, मैसेज बार, इसी तरह से एडिंस में, एडिंस को हमें चालू रखना है नहीं रखना है,
इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कंटेंट कुछ है, कहीं से लिंक है, कहीं से खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, तो यहाँ से सब कुछ इनकी सेटिंग है। प्राइवेसी ऑप्शन, तो इसकी सेटिंग सारी यहाँ है जिसको आप देख सकते हैं। अंत में रिसोर्सेज है जिसमें बस माइक्रोसॉफ्ट के बारे में सब कुछ। तो ये था आपका एक्सेल कस्टमाइजेशन, ठीक है जी। कल हम पढ़ेंगे नंबर फॉर्मेटिंग और कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में, इनके बारे में गहन अध्ययन और इन कोड्स के क्या मतलब है इनको जानेंगे। ये जो कोड है ये होते क्या है, ठीक है सर। ये नंबर फॉर्मेटिंग है और कस्टम फॉर्मेटिंग, तो नंबर फॉर्मेटिंग कस्टम तक तो सर समझ आ जाती है, कस्टम फॉर्मेटिंग इसका मेन है। हाँ ओके, ये कोड अगर समझ आ जाए तो काफी सारे काम है आपके इन कोड से होते हैं, ठीक है जी। तो ये कोड्स को हम कल समझेंगे, ठीक है जी। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे पावर यूजर बन सकते हैं, ठीक है। और पाइवट अभी नहीं, पाइवट बाद में आता, राइट ना? प्राइवेट बाद में आता है। आप, मैं चाह रहा हूँ कि मुरली जी के आने से पहले आपका यहीं पे ही कवर हो जाए सारी चीजें, वो अभी छुट्टी काट रहे हैं। अच्छा वो भी क्या हो गया? पता नहीं, मैं मैसेज आया कहीं ऑफिस ऑफिस में फंसे। अच्छा, मेल तो यही क्या आ गया। मुरली क्या करता है, काम क्या काम कर रहा है मुरली? वो एलिवेटर कंपनी में है, कोने कोने का नाम सुना होगा आपने, कोने लिफ्ट वगैरह लगाती है ये। अच्छा, वहां क्या करता है वो, कहाँ पे? इधर ही दुबई में बता रहे थे ना आप। हाँ दुबई में, दुबई में। तो चलिए फिर हम चलो ठीक है, बाकी कल करेंगे आपका जो है। ओके, आप मुझे फिर हाँ वीडियो में कहाँ देखूँ अभी इसका? हाँ वीडियो स्काइप पे पहले तो मैं लिंक भेज दूँ आपको। हाँ मेरे को लिंक भेज दो, और शॉर्टकट का एक पीडीएफ फाइल मेरे को भेज दो, सुजीत ने भेजा था, वो खुलता नहीं है। और मेरे इसमें क्या है, मेरे को कई कई जगह रशियन इंग्लिश की तकलीफ आ रही है, तो अगर आप पीडीएफ में भेज देंगे ना तो मैं उसको फिर प्रैक्टिस कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, मैं ढूंढता हूँ पीडीएफ में अगर इसका मिल जाता है। मैं बता भी देता हूँ कब फाइल भेजी थी सुजीत ने, वो दूसरे दिन ही भेज दी थी जब हमारा सेकेंड डे हुआ था। पीडीएफ आपके पास तो सेव होगी ना पीडीएफ की, या मैं बताऊं क्या क्या नाम करके फाइल है वो? नहीं, उनका सिस्टम अलग है, मेरा सिस्टम अलग है बताओ आप। कंप्यूटर में। अच्छा आपका सिस्टम अलग है, ठीक है, ओके। मैं ये अल्फा न्यूमेरिक किसको पढ़ा रहा था, आपको पढ़ा रहा था? नहीं, ये तो VBA हो गया, ये तो ठीक, ये है क्या? फाइल का नाम उन्होंने दिया था शॉर्टकट्स OXPS सर। ये मैं आपको राइट पे डाल देता हूँ, ठीक है सर। ये अभी आपने आज का भेजा है संदीप? नहीं, आज का तो ये लगा लीजिए, कल सुबह तक रेडी होगा, ठीक है। ये आप कौन सा फिर? ये आपका कल वाला है, ठीक अच्छा, है सर। ठीक, आज वाला जैसे हो जाएगा फिर मैं भेज दूंगा। इसमें सर टाइम बहुत लेता है यूट्यूब में ना, हमारे पास अपलोडिंग का डाटा बहुत होता है, तो रात में ओके ओके ओके, मेरा सिस्टम कभी बंद नहीं होता, 24 घंटे चालू रहता है। हाँ तो आप सुबह से ही लग जाते हैं क्या संदीप? नहीं सर, मैं तो अभी तो जॉब ही करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सुबह तो मैं अपने जॉब पे जाता हूँ, फिर 7 बजे करीब आता हूँ, फिर 7:30 से 11:30 आप लोगों की क्लास वगैरह ले रहा हूँ। अच्छा, 4 घंटे
बाप रे, फिर कैसे कर पाते हैं सुबह वहां पे, फिर यहाँ पे 4 घंटे, हेक्टिक नहीं हो जाता? नहीं ऐसा कुछ नहीं होता बाकी, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं खुद की क्लास लेने भी जाता हूँ, जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन वगैरह मुझे लगता है मेरी मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो उसकी भी क्लासेस लेने जाता हूँ। तो मतलब क्लासेस लेने मींस आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं? हाँ मैं खुद लेने जाता हूँ, इंग्लिश वगैरह थोड़ी सी मेरी कमजोर है, अच्छा, तो मतलब चला देता हूँ काम, हालांकि गलती से सारे लगती तो इंटरनेट। नहीं है ऐसे, एवरेज लगती है, मतलब हाई फाई भी नहीं है और कम भी नहीं है, एवरेज एवरेज है आपकी। अब बट आप इम्प्रूव अभी कर रहे हैं बाय ट्रेनिंग, राइट? यस यस यस, एक्चुअली सर मेरा अच्छा जो अच्छा मोटिव है ना वो कुछ एक मोटिवेशनल